हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। तो आज हमारा ड्रग एक्सक्रीशन का आगे कॉन्टिन्यूड सेक्शन है। अब ड्रग एक्सक्रीशन में हम लोग कवर कर चुके थे कि कौन कौन सी ड्रग्स हमारे किस किस तरीके की ड्रग्स किस मैकेनिज्म से हमारी एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं, बेस्ड अपॉन ड्रग का क्या साइज़ है, क्या मैकेनिज्म वो फॉलो कर सकती है। तो ड्रग एक्सक्रीशन के साथ हमने इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन कवर किए, जिसमें मेनली फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स थी, जिसमें आप उसका मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड सॉल्युबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग कैरेक्टर और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसके अलावा ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, ब्लड फ्लो, यूरिन का पीएच, एज एंड डिजीज स्टेट, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ड्रग एक्सक्रीशन के। हमने ये डिस्कस कर लिए थे, मॉलिकुलर वेट आपका स्मॉल होगा राइट, तो लार्जर ड्रग्स को डिफिकल्टी होंगी एक्सक्रीट आउट होने के लिए, स्मॉलर ड्रग्स को डिफिकल्टी उतनी नहीं होती है। ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर आपकी लिपोफिलिक ड्रग होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहेगा और उसकी एक्सक्रीशन जो है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइपोफिलिक होगी, नॉन पोलर होगी, तो उसको एक्सक्रीशन में उतना ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दे टेंड टू गेट रीअब्सॉर्ब बैक इन टू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपका जितना ज़्यादा वीडी होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही वो पुअरली एक्सक्रीट आउट होगी। जितना ज़्यादा आपका परफ्यूजन बढ़ेगा, उतना ही आपका एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ बायोलॉजिकल फैक्टर एंड डिजीज स्टेट भी आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। फिर यहाँ से आते ही स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था क्लियरेंस के जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सब आपने याद रखने हैं। आगे के चैप्टर्स जब मैं आपको कंपार्टमेंट मॉडलिंग स्टार्ट कराऊंगी, वहाँ पे भी आपके यही के यही बेसिक्स और फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके वो काम आएंगे। सो प्लीज़ इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस आपका एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स है, जिसके अंदर आपकी बेसिकली ड्रग किस आपकी कैसे रिमूव होगी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के विद इन। क्लियरेंस को डिफाइन करने के लिए जो हमने बेसिक फॉर्मूला दिया था वो था एलिमिनेशन रेट अपॉन में प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे विद न्यूमेरिकल। क्लियरेंस का एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, के ई इंटू वी डी। आगे कंपार्टमेंट मॉडलिंग में इनकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी कि इक्वेशंस बनी कैसे। अभी के लिए आपके लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम फर्स्ट वन कंपार्टमेंट मॉडल एग्जम्पशन करते हैं या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एग्जम्पशन करते हैं, तो हम इसमें टी हाफ की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके 0.693 बाय के कर देंगे, तो क्लियरेंस बन गया 0.693 टी हाफ इंटू वी डी राइट। साथ ही साथ क्लियरेंस का फॉर्मूला एक और रहेगा आपका, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन अपॉन में प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ठीक है जी, तो चलिए रीनल क्लियरेंस आपकी होगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था हिपैटिक क्लियरेंस भी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी रीनल क्लियरेंस के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर जीरो होगी तो ड्रग फिल्टर भी होगी, साथ ही साथ आपकी रीअब्सॉर्ब होगी कम्प्लीटली। लेस देन 130 होगा तो पार्शियल फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन होगा, 130 होगा तो ड्रग आपकी फिल्टर होगी, ग्रेटर देन 130 होगा तो फिल्टर के साथ साथ आपकी एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन भी साथ ही साथ हो जाएगी। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी, बिल्कुल। क्लियरेंस कल हमने डिस्कस कर लिया था, क्लियरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज, पीक ऑफ, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इन सब को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्लियरेंस का क्लियर कट अंदाज़ा पता होना चाहिए राइट। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज आपके लिए छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं, साथ ही साथ कुछ और फॉर्मूलेज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आज हम पहले बात करेंगे। ठीक है, क्लियरेंस के कुछ मॉडल्स हैं, फिर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनको आप हेडिंग बनाइए इतने, क्लियरेंस मॉडल्स हेडिंग बनाइए इतने आप, क्लियरेंस मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं इनमें से आ सकते हैं। क्लियरेंस मॉडल के अंदर सबसे पहले आएगा आपका फिजियोलॉजिक या फिर ऑर्गन क्लियरेंस। आपको पता है मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं आपके, किडनीज एंड लीवर, उनके अलावा भी आपके ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं क्लियरेंस के अंदर राइट। तो किडनी एंड लीवर बीइंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन दी ड्रग मेटाबॉलिज्म एज वेल एज फॉलोड बाई योर एक्सक्रीशन। तो फॉर एनी ऑर्गन, मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, आप भी लिखिए, फॉर एनी ऑर्गन राइट, क्लियरेंस मे बी डिफाइंड एज, क्लियरेंस मे बी फॉर एनी ऑर्गन
clearance may be defined as product of blood flow, product of blood flow to the organ and the extraction ratio. Simple है ना. अब ये जो extraction ratio है इसका भी तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है. नाम से ही पता लग रहा है extraction ratio, इसका मतलब क्या है, कितना fraction of drug जो है. extraction ratio का क्या मतलब हो गया, कितना fraction of drug जो है. अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स प्रेजेंटेशन फॉर्म में अलग से भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे. हालांकि अब जब मैं यहाँ पर लिखकर समझाती हूँ तो आई फील कि आप लोग और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और आप लोगों को क्लियरली समझ में आते हैं, क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स के कंसेप्ट का रट्टा लगाना है तो आपके पास बुक्स भी हैं. जी बिल्कुल, आपके पास जो मेन जीडीसी की बुक्स भी हैं आपके पास, राइट, मॉड्यूल्स हैं उनमें भी सब कुछ गिवन है. बट यहाँ पर पॉइंट यही है कि आपको समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट डिटेल में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है. इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ बायोफार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रट्टा ना लगाया जाए, उसे समझा जाए अच्छे से, तभी हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, राइट. तो एक्सट्रैक्शन रेशियो नाम से ही पता लग रहा है कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आपका एक्सट्रैक्ट आउट होगा उस ऑर्गन से जब आपकी ड्रग जो है वो पास करिए. फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑर्गन एज द ड्रग पासेस. सिंपल भाषा में एक्सट्रैक्शन रेशियो आपका बेसिकली रेशियो होगा कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एंटर कर रही है वर्सेस कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपका लीव कर रही है ऑर्गन को. कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एंटर कर रही है उसे हम C8 से इंडिकेट करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपका लीव कर रही है उसे हम CV से बोलते हैं, है ना. तो आपका क्लियरेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि क्लियरेंस का फॉर्मूला है कि कितना ब्लड फ्लो रेट है, साथ ब्लड फ्लो के साथ साथ बताया कि मल्टीप्लाइड में क्या है आपका एक्सट्रैक्शन रेशियो है. तो क्लियरेंस का एक और फॉर्मूला यहाँ पर बनता है जिसे हम बोलेंगे CA - CV / CA. आ गया ना एक और फॉर्मूला. एग्जाम में आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठकर आ जाएगा, सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं और सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है. मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सट्रैक्शन रेशियो होती हैं इसकी वैल्यूज़ आपकी जनरली 0 to 1 होती हैं. अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो की वैल्यू 0 है इसका मतलब नो ड्रग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इस बात का ध्यान रहे. और अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो आपकी 1 है इसका मतलब 100% ऑफ द ड्रग जो है वो आपकी रिमूव हो चुकी है. 100% ऑफ द ड्रग जो है इज रिमूव्ड बाय द ऑर्गन, सिंपल भाषा में. तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्गन की क्लियरेंस, पर्टिकुलरली अगर हम नाम ना ले किसी भी ऑर्गन की क्लियरेंस को देखा जाए तो वो किस पे डिपेंड करती है कि कितना उसका ब्लड फ्लो है वहाँ पर, साथ ही साथ कितनी एक्सट्रैक्शन रेशियो है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग उसमें एंटर किया था जब उस ऑर्गन से पास हुई एक्सट्रैक्शन के बाद, कितना अमाउंट से लीव किया है वो आपकी उसकी रेशियो एक्सट्रैक्शन रेशियो कहलाती है. साथ ही साथ जब आप उसके साथ ब्लड फ्लो कितना रहा था आपका उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट दी वैल्यू ऑफ ड्रग क्लियरेंस. अगर मैं इसको एक सिंपल से एक मॉडल से बताऊं आपको, इसका एक रिप्रेजेंटेशन दूं, सपोज़ ये आपका एलिमिनेटिंग ऑर्गन है, सपोज़ ये आपका एलिमिनेटिंग ऑर्गन है कोई सा भी, CA क्या होगा आपका अमाउंट ऑफ ड्रग जो एंटर कर रही है और CV क्या है अमाउंट ऑफ ड्रग जो लीव कर रही है. दोनों के साथ मैंने ब्लड फ्लो को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आपकी ड्रग की क्या हो रही है एलिमिनेशन, ठीक है. बहुत ही सिंपल भाषा में इस वजह से क्लियरेंस का फॉर्मूला बन गया Q into ER. Q आपका फ्लो रेट है, ER की जगह आपका क्या बनेगा CA - CV / CA.
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपने काफ़ी सारे फार्मूलाज देख लिए हैं और उन फार्मूलाज को हमने आगे दोबारा भी डिस्कस करना है क्लियरेंस वाले पार्ट में, जब आपका कंपार्टमेंट मॉडलिंग शुरू होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया था क्लियरेंस का एक और फार्मूला KE into VD, एक तो आपने ये ज़रूर याद रखना है, एक आपका बेसिक क्या था, एलिमिनेशन रेट अपॉन में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक और आपका इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है एक आपका IV बोलस रूट होता है, एक आपका इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन का भी रहता है, राइट। तो IV इन्फ्यूजन के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्लियरेंस इज इक्वल्स टू R इंटू CSS। ये जो R है, ये R अब आपका होगा इन्फ्यूजन रेट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन GPAT 2019 में आपका आया हुआ है, ठीक है। ये जो CSS होता है, ये होगा आपका स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको इन्फ्यूजन रेट भी दे रखा है और साथ में स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? अगर हमें स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन पहले तो आपकी बढ़ेगी, राइट। सिंपल सा अगर आप एक ग्राफ वाइज सोचिए तो पहले तो आपका ग्राफ बढ़ेगा, इट विल राइज एट फर्स्ट, देन धीरे 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 एक प्लेट्यू अचीव हो जाएगा। उस प्लेट्यू पे हम कहेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो अब बराबर हो गया। तो स्टेडी स्टेट बेसिकली आपकी वो सिचुएशन है जिसमें आपका रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन दोनों ही बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग अमाउंट आपका कांस्टेंट रह पाए। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं दैट येस द स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, ठीक है। तो जनरली इट राइजेज एट फर्स्ट एंड देन दे बिकम इक्वल। तो ये था बेसिकली आपके क्लियरेंस और उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। रेस्ट इसके अलावा जितने भी फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं और वो सारे के सारे आपके कंपार्टमेंट मॉडलिंग में भी आएंगे। तो मेक श्योर कि आप फार्माकोकाइनेटिक्स में इसके बाद स्टार्ट करें, स्पेशली आपकी कंपार्टमेंट मॉडलिंग, तो उसको ये पढ़ने के बाद ज़रूर साथ के साथ ही स्टार्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, शॉर्ट सेशन था आपका, लेकिन हम मिलेंगे नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स की वीडियो में कंपार्टमेंट मॉडलिंग में। थैंक यू सो मच, एंड देन आपके MCQs भी हैं टॉपिक वाइज, ओके, बाय बाय।